अपने आप हेल्प कर लिया अपने आप हेल्प हो जाएगा। अगर कभी हम क्या करते हैं, एक दुख आया, कोशिश करके वो दुख के कैसे दूर करें। आप देखना वो दुख तो दूर हुई नहीं, सामने तीन की हम सोचते भैया ये तीन दुख को दूर करते हैं ना चैन मिलेगा, लेकिन देखना पांच दुख। हम इस दुनिया की केवल दुख दुख, लेकिन मूल बीमारी कहाँ इसलिए सारे दुख दुख आ रहे। मूल बीमारी ये है हमने भगवान को भूल गए, इसीलिए ये सारे दुख कष्ट आ रहे। ये सारे दुख कष्ट का मूल कारण हम भगवान को भूल चुके हैं। केवल भगवान को याद करो, भगवान की भक्ति करो, उसकी भजन करो, देखना अपने आप दूर हो जाएगा। सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम। हनुमान जी का देखो दिन भर क्या कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र जय जप तमेसा काशी मुख गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जपत महिषा दिन रात शंकर जी पंचमुखे राम नाम दान त्रिपुरारी। वो पंचमुख में भगवान के नाम ही कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम ही कीर्तन करते हैं। और सारा दुनिया अपना दुख तो गया और सारा दुनिया भी दुख को दूर करते, ठीक है ना। इसलिए याद रखना, मैं आज जो कथा सुनाऊंगा उसको याद रखना, ठीक है, याद रखना। और जितना हो सके कोशिश करना मेरे को कल सुनाने के लिए। आज जो मैं एक क्लास सुनाऊंगा वो ऐसे की क्लास है, अगर इसको भक्ति को बारे में कोई बताओ ना मेरे प्रभु भक्ति करो, वो बोलेगा हम तो ठीक ठाक संसार में, वो बोलेगा हम तो ठीक ठाक है, भक्ति को करे हम रह रहे हैं, बीवी बच्चे दुनिया रह रहे संसार में हम ठीक ठाक है, अरे भगवान की भक्ति क्यों करें। इसलिए ये जो क्लास है हम भक्ति क्यों करें, क्या जरूरत है भक्ति करने की, ये क्लास में ये चीज ये क्लास में है। इसलिए आप इसको अच्छे तरह से सुनिएगा। ये एक क्लास अगर आपने सही कर लिया तो किसी को भी प्रभु के बारे में आप, किसी को भी भगवान के बारे में आप सुना सकते हो, ठीक है। इसलिए एक क्लास का नाम है, तो ध्यान से सुनो, नहीं तो काफी पेन लेकर बैठ और कुछ नोट कर लो, जैसे कल मेरे को सुना बाबू, तो मेरे को सुना बाबू। इसलिए क्लास का नाम है सुख का खोज, जीवन में हमें शांति कैसे मिली। अभी प्रश्न आता है हम सुख ही क्यों को ढूंढ रहे हैं, हम जीवन में सुख ही क्यों ढूंढ रहे हैं, हम दुख क्यों नहीं चाहते। आप लोग बता सकते हो हम जीवन में सुख क्यों चाहते हैं, दुख क्यों नहीं चाहते, कोई बता सकता है क्यों, क्यों सुख चाहते। घर में निमंत्रण देता हो दुख को, फिर निमंत्रण देता हो लेकिन वो बिना निमंत्रण आता ही नहीं, आता है लेकिन क्यों आता है। अब हम सुख ही क्यों चाहते हैं बता सकता हूँ, क्योंकि जो जो सुविधा सुनो, क्योंकि हम लोग जो है भगवान कृष्ण के अंश हैं और भगवान जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है, तो हमें भी आनंद ही चाहिए। ये चीज़ जो याद रहा, हम सुखी क्यों चाहते हैं, दुख क्यों नहीं चाहते, बल्कि इसका कारण यही बताएगा। जो भगवान है उनका तीन स्वरूप है, सत जीत और आनंद, इनका ये तीन स्वरूप है। आप बता दी सब इसको भागी भागी नाम है, और अंदर से सुन रहे हैं, खाना पीना तो हम जिंदगी में करते इसलिए हाँ, भगवान के तीन स्वरूप है सत चीत और ये आनंद, भगवान की ये तीन स्वरूप है। इसलिए देखना कथा में बैठ कथा सुन, इसलिए आप देखना जीवन में हम तीन चीज ही ढूंढते हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए हम जीवन में कोई मरना नहीं चाहते, कोई मरना चाहते जीवन में,
मरने का नाम सुनते हम घबरा उठा, नहीं हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरना चाहते? क्यों? भगवान शब्द सुनते हैं। आप बुढ़ापे में मरना चाहते हैं? एक बाल अगर पक गया ना उखाड़ दे, उस समय उखाड़ देंगे आप बाल। दो बाल पक गया किसी को उखाड़ देंगे? आप ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं? शरीर में क्यों? शरीर में स्नो पाउडर और इतना चीज क्यों लगाते हैं? भैया हम बुढ़ा क्यों बनना नहीं चाहते? हर समय आप चाहते हैं एकदम जवानी बन करके रहे, जवान बन करके रहे। मतलब क्यों? कारण भगवान कृष्ण जो है ना वो सबका स्वरूप है। अब देखो कहीं भी भगवान देखो ना, हर समय भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और उनका उम्र बताया 14.5 साल से कभी इनकी उम्र ज्यादा होती नहीं, कभी नहीं होती 14.5 साल। भगवान राम 11,000 साल तक राजत्व किए, लेकिन कहीं भी प्रभु राम का रूप कभी बुढ़ापा देखे हो, कभी उनको दाढ़ी देखे हो, कभी उनको मोच देखे हो, उनको भोग देखे हो, नहीं। क्यों? कृष्ण का नहीं होता। हर समय कृष्ण देखो बंसरी बजा रहे हैं, बंसरी बजा रहे हैं। राधा रानी को देखो, ललिता मिश्रा को देखो, सीता को देखो, उनका उम्र 13.5 साल से कभी उम्र ज्यादा होती नहीं। 13.5 साल से कभी भी उनको उम्र ज्यादा नहीं होती। क्यों? उनका भगवान जैसी सच्चिदानंद की शक्ति भी सच्चिदानंद है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम सबके सब जीवन में अच्छे ज्ञान अर्जन करना। PhD, डॉक्टर, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? कहा नहीं, भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप जिंदगी भर उसी आनंद में खो जाएंगे। इसलिए आज क्लास का नाम है सुखा खोज, सुखा खोज। लेकिन प्रश्न है अगर हमें सुख क्यों नहीं मिलता? हम तो जिंदगी भर सुख 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 ढूंढते ही, लेकिन सुख मिलते नहीं है। उसका कारण बताएगा, उसका कारण बताएगा। सुख जहाँ ढूंढनी चाहिए हम वहां नहीं ढूंढ करके हम गलत जगह पर सुख जहाँ मिलनी चाहिए वहां नहीं ढूंढ रहे। कहाँ पर ढूंढ रहे हैं? जहाँ नहीं मिलेगा वहीं पर ढूंढते हैं। जैसे हमारी कोई सामान यहाँ पर मिल रहा है, अगर ये सामान को अगर हम बाहर पे जाकर के ढूंढे फिर वो सामान हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों? वो तुम्हारी सामान जहाँ खोया है तब वहीं पर ढूंढो, तब तो मिलेगी। जैसे औषधालय, अगर हम जाकर वहाँ भोजन मांगेंगे वहाँ क्या भोजन मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। विद्यालय, विद्यालय में जाकर अगर हम भोजन मांगेंगे क्या मिलेगा? वहां नहीं मिलेगा। जहाँ पर जो चीज मिलता है हमें वहीं पर वही चीज को ढूंढनी चाहिए, तब हम वो चीज हम मिल सकती है। इसलिए हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये संसार हम सोचते हैं सर पढ़ाई लिखाई करने पर सर सुख मिल जाएगा, पढ़ाई हो गई तब भी सुख मिल ही नहीं। सोचते हैं सर बढ़िया से कोई नौकरी चाकरी कर लेना शायद सुख मिल ही जाए, नौकरी हो अन्य वस्तु। मतलब ये संसार क्या है? इसका नाम ही संसार है। संसार मतलब होता है सम्यक रूप सरति, जो हमसे हर से अलग होते जा रहे हैं। सब चीज हमसे धीरे 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 अलग होती जा रही है। एक दिन शरीर छुटेगा नहीं, शरीर छुटेगा नहीं। हमारे जो पिताजी थे, पिताजी थे, पिताजी थे, वो भी धीरे 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 वो भी गए हैं। एक दिन ये संसार नश्वर है, एक दिन ये संसार नष्ट होगा ही, खत्म होगा। और जो स्वयं खत्म होने वाले, स्वयं जो बिलबिला रही दुनिया में, फिर वहां से तुम्हें शांति से उठेगी नहीं, वो मिलेगी नहीं। मिलेगी कहाँ पर? कहते मिलेगी कहाँ पर? मिलेगी कहाँ पर? बोले ब्रह्म जी कहाँ से मिलेगी कहाँ पर? बोले ब्रह्म में, भगवान में जो सुख शांति मिलेगी। क्यों? भगवान स्वयं सुख स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान पूर्ण आनंद भगवान है। इसलिए जिन जिनियों ने उनकी भक्ति की ना, जिन जिनियों ने भक्ति करके भगवत प्राप्ति की, जीवन में उनको शांति सुख मिला। बताओ हनुमान को मिला कि नहीं? तुलसीदास को मिला कि नहीं? हैं? गोपियों को मिला कि नहीं? ध्रुव को मिला कि नहीं? प्रहलाद को मिला कि नहीं? मीरा को मिला कि नहीं?
नरसिंह पत्र को मिला ही नहीं, विभीषण को मिला ही नहीं, देखो मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। क्यों? उन्होंने सुख जहाँ पर ढूंढनी चाहिए उन्होंने वहीं पर नरसिंह को ढूंढे। इसलिए यहाँ पर कहते सुख तभी हमें मिलेगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तभी वह शरणम दर्श सर्वभाव भारत तत्प्रसादात पराम शांति। कृष्ण कहते बोले हे अर्जुन, जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आएगा, जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आएगा अर्जुन, उसको परम सुख और परम शांति और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है, नित्य स्थान उसको नहीं मिलेगा, उसको नित्य स्थान नहीं मिलेगी। जब मेरे शरण में आएगा एकदम सही परमानेंट घर मिलेगा, परमानेंट शांति मिलेगी, परमानेंट सुख मिलेगी। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो, एक बूढ़ी माता जी वो कहीं जाने के लिए एकदम अनपढ़ है, कहीं जाने के लिए उसने टिकट बनाया बस में, वो उसका नंबर था 15। बेचारी अनपढ़, अभी टिकट बनाया, जब गया बस में बैठने के लिए देखा सारे बस खाली है, कोई आदमी है नहीं। बेचारे तो लिखी पढ़ी है ही नहीं, लिखी पढ़ी तो वो है ही नहीं। इसलिए उसने किया कि जाकर के जो 50 नंबर सीट थी ना, वो 50 नंबर सीट में जाकर के बैठ गए। बैठ गई तो थोड़ी देर बाद में 50 नंबर सीट वाला है बोले माता जी मेरी शिक्षा टूटने आती है। बोले भैया सुधर लिखी पढ़ी है नहीं, 15 नंबर सीट तो 15 नंबर। अभी उसने टूट करके 40 नंबर सीट में बैठ गई, 40 नंबर सीट वाला है जाकर 20 नंबर में बैठ लीजिएगा, वो 20 नंबर सीट वाला है बोले माता जी उठो यहाँ से। बोले ये क्या चक्कर, हमें कोई बैठने नहीं दे रहे। वो ऐसे देखने लगी मैं कहाँ पर बैठू जो मेरे को बैठने को नहीं दे। देखा जो ड्राइवर का सीट है ना सबसे अलग दिख रहा था, सबसे अलग दिख रहा था। बोले नहीं अगर बैठ जाएगी ना मेरे को कोई नहीं बैठा। वो सीधा जाकर के ड्राइवर का सीट में पहला सीट था वहाँ ऐसे फिर बैठी तो बढ़िया लगा अभी मेरे को कोई हटाई नहीं। और ड्राइवर बैठा भोजन पानी के लिए, जब देखा पूरा बस फूल हो गया। अभी वो ड्राइवर आया देखा बूढ़ी माता जी बैठी, बोले माता जी यहाँ से स्टॉप। बोले बाबा तेरे पाँव पड़ता हूँ मेरे को यहाँ से, और मत हटा बुजुर्ग आदमी बूढ़ी आदमी है इसलिए मेरे को मत हटाया कर बढ़िया सीट पे बैठो। बोले माता जी मैं ड्राइवर हूँ मेरी सीट है, मेरे बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। बोले बाबा तेरे पाँव पड़ता मेरे को यहाँ मत हटा, मैं परेशानी हो गई पूरा बस घूमती उससे परेशानी हो गई, मेरे को कोई बैठने नहीं दे रही। बोले क्यों टिकट बनाया? बोले हाँ टिकट बनाया। बोले टिकट सीखा? उसने टिकट दिखाया कितना नंबर था? सारे सीट तो भरा था। बोलो वही सीट खाली? बोले आप हम तुमको वही सीट पर बैठा देते। बोले कहाँ पर? बोले आप ना तो लेकर 15 नंबर में बैठा दिया। बोले बाबा यहाँ से और कोई नहीं हटाएगा? बोले कोई नहीं हटाएगा, एक बार बैठो और अपना घर में पहुंच जाओ। बस सीधा को बोलो हाँ देखो हम भी क्या करते हैं, हम भी सब यही करते हैं। एक मकान बनाने के लिए हम कितना कष्ट लगा होता है, जिंदगी भर का पैसा कमा 25 साल तक पढ़ाई नहीं किया है, उसको बाद में 25 साल तक अगर नौकरी चाकरी 50 साल तक जितने जिंदगी का सारे पैसा तो इकट्ठा किया करके हमने बड़ी कष्ट से एक मकान बनाया। बताओ वो मकान में रह सकते हो? अब बताओ ये मकान में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। यहाँ से तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। भले ही तुम्हारे पास में सारे कागज पत्र सब कुछ है लेकिन वो परमात्मा जब सैलरी से चले जाएंगे ना ये घर में एक घंटा भी ज्यादा रखने नहीं देंगे। बोले सबको बुलाओ परिवार निकालो इसको यहाँ से, हाँ निकालो वहां पर लोहे का रड रख ले दो बार को व्यक्ति घर में घुस। फिर दूसरे जीवन में गए वहां पर भी जिंदगी भर हमने लिखाई पढ़ाई पैसा कमाया सारे जीवन का लगा कर फिर मकान बनाया हमने, क्या वहां भी रह सकते? भगना पड़ेगा वहां से, भगना पड़ेगा वहां रह नहीं सकती होगी। हम जन्म जन्मा में बना रहे हैं और छोड़ रहे बना रहे छोड़ क्यों? जहां बैठने चाहिए तुम वहां नहीं बैठ गए ना, गलत जगह पर बैठे।
गलत जगह पर तुम बैठे हो, इसलिए तुमको भागना पड़ रहा है भाई, तुमको वहां से भागना पड़ रहा है। लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, वो माता जी को उसका जो नंबर था ना, वो नंबर में लेकर बैठा गया, तू यही बैठ बैठा जा और तेरे को कोई नहीं हटाएगा, तेरे को कोई हटाएगा नहीं, यही पर बैठना। कहते वो ड्राइवर कौन है, ये सतगुरु, ये सतगुरु ये हमें लेकर के, हमें जहाँ बैठने चाहिए वो हमें लेकर के सही जगह पर बैठा देते हैं, अपना सही जगह पर बैठा देते हैं। खैर तो वहां पर बैठेंगे ना, खैर तुम्हें वहां हटने का कोई जरूरत नहीं, जिंदगी भर वही बैठ जाओगे, वहां से रही तो हटोगे नहीं है। इसलिए वो कहा नहीं बता, कोई भी देवा देवी देवी बताए, अब तो हिंदू लोग जैसे हम किसी अच्छे बिजनेस में जा रहे हैं, बढ़िया बिजनेस, घर में क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, तिलक लगाए बेटा, तिलक क्या है, वो मंगलवार क्या तेरे काम करना है, विजय प्राप्त हो, युद्ध में बेटा है, क्या करते हैं, तिलक लगा कर उसको युद्ध में तिलक लगा कर बेचते हैं। इसलिए जो तिलक है इसकी बड़ी महत्व है, तिलक इसलिए हमें तिलक लगानी चाहिए। और जो तीसरा है यही कहते ठीक है पैसा, कहते वो क्या है, बोले भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम है, अगर हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तीन चीज अगर हमारे पास में हो ना, फिर हम ठाकुर जी के पास में बस निश्चित रूप में भगवान के पास में जाओगे ही जाओगे। यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन हम किस चीज में अपना जीवन को बिता रहे हैं, कहते केवल कुल चार चीजों में सारे जीवन को हम बिता रहे हैं। दिन में दो काम करते हैं और रात में हम दो काम करते हैं, बोले दिन में दो काम क्या करते हैं, बोले पैसा कमा और पैसा अपना परिवार को मेंटेन से, बोले रात को दो काम क्या करते हैं, बोले विश्राम करना और विषय भोग करना, बच्चों को जन्म देना। कहते कुल हम चार ही काम जिंदगी में करते हैं, दिन में दो और रात को। तो यहाँ भागवत कहता है हम जो चार काम करते हुए ये जीवन को बड़े सक्सेसफुल मानता है, हमने पैसा कमा लिया, मकान बना ली, चार पांच बच्चों को जन्म दिया, किसको अमेरिका में भेज दिया, किसको लंदन में भेज दिया, किसको बड़े बड़े नौकरी चाकरी दे दिया। हम यही काम करके ना हम सोचते हैं हमारा जीवन तो बड़ा सक्सेसफुल हो। यहाँ पर भागवत कहता है ना, कहते भैया ये जीवन कोई सक्सेसफुल नहीं, ये जीवन कोई सक्सेसफुल नहीं। तो भागवत में उदाहरण देखने को बताया, बोले जिस काम करके हम जीवन में बड़ा सक्सेसफुल मानते हैं, आप देखो जानवर को देखो, वो तुमसे ये चार काम में तुमसे बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है। एक उदाहरण देकर समझा, देखो चीज को समझो, कोई कहते हैं ना भक्ति क्यों करें, ये क्लास बहुत अच्छी क्लास है, क्यों भक्ति करेंगे, कारण क्या है, एक एग्जाम्पल देकर समझाएं। एक समय कोई भी जज जा रहा था, देखा एक स्वर लेटा हो, वो बूट पहना था, उस स्वर को बड़े जोर से मारा, स्वर ने कहा भैया तुम मेरे को क्यों मारे, बोले तो स्वर है ना, बोले तुम कौन हो, बोले दिख नहीं रहा मैं जज हूँ। वो स्वर उसको प्रश्न करता है, तुम ये बताओ तुम मेरे से किस चीज में तुम बड़े हो, किस चीज में बड़े, स्वर प्रश्न करता है। वो जज कहता है पूछो हर चीज से तेरे से बड़े, स्वर का पहला प्रश्न है, बोले तेरे कितने बीवी है, तेरे कितने बीवी है, बोले एक ही बीवी हो। वो स्वर कहता है तो बता मेरे कितने बीवी, देखो ये 15-20 सूरियां हैं, ये सबके साथ में मैं घूमता रहता हूँ, ये सबके सब मेरी बीवी है, इसी चीज में तुम फेल हो। उसका दूसरा प्रश्न है कि जिंदगी में कितने बच्चों को तुमने जन्म दिया, बताओ, 2, 4, 8, 10,
इससे तो ज्यादा बच्चे तुमने जन्म नहीं दिए उनको नहीं, मतलब 6 महीना में एक बार में बच्चा जन्म देना, एक दर्जन से कम नहीं। अब देखे तो स्वर्ग ना कितना बच्चा जन्म देता है, कितने बच्चे जन्म देता है, कभी कभी 10, 15, 20 कभी कभी दे देता हूँ, कभी कभी दे देता हूँ। 6 महीना में एक बार जन्म देता हूँ, साल में 2 बार जन्म देता हूँ। बोले तुम इसमें भी फैलो, इसी विषय में भी तुम फैलो, उसका तीसरा प्रश्न है, बोले तो ये बताओ तुम ये बच्चों को पालन करने के लिए कितने दिन तुमने बिताया, कितना दिन लगाया एक बच्चे को और नार बनाने के लिए, कितना दिन हम बिताते हैं, 20-25 साल लगता है। जब तक हम बच्चे को नौकरी नहीं दिला देते हैं, बच्चे को कोई काम धंधा में नहीं लगा देते हैं, शादी नहीं करा लेते हैं, तब तक पिता माता सोचते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जी। अगर कोई बेटा अगर विधवा बन जाए ना, तो जिंदगी भर के लिए जवाबदारी बहुत टेंशन, जिंदगी उसका टेंशन हो जाता है ना। स्वर ने कहा कि जो 10-10, 15-15 बच्चे में जन्म देता हूँ, वो 1 महीना में इनको मैं और नाक बना के छोड़ देता हूँ, फिर ये घर गृहस्थी अपना करने लगे, हमारे नो टेंशन, हमारे कोई टेंशन नहीं, बल इसमें भी तुम फैल, इसमें भी तुम फैल। उनका 14th प्रश्न है, बल तुम ये बताओ तुम ये परिवार को पालना करने के लिए तुमने क्या क्या किया, मतलब पहले माइनर स्कूल में गया, फिर हाई स्कूल में गया, फिर यूनिवर्सिटी में गया, उसके बाद में फिर कोई डिग्री प्राप्त की, फिर कष्ट से रिश्वत रिश्वत दे करके फिर किसी तरह से नौकरी कहीं ढूंढा, उसमें भी 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ता है, उसमें भी झूठ बेईमानी इधर उधर करना पड़ता है। बोले क्यों, बोले केवल ये पेट को पालने के लिए बच्चों को पालने लगे हैं। और स्वर कहता है मैंने ये बच्चों को पालन करने के लिए खाने के लिए मैंने कोई माइनर स्कूल नहीं गया, कोई हाई स्कूल नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, कोई नौकरी भी नहीं करता, झूठ बेईमानी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, इनको आसानी से मैंने बड़ा बना दिया, और मैं तो घूमता रहता हूँ, आसानी से मेरा खाना मिल जाती है, ताजी ताजी खाना मिल जाती है, हाल डब्बे हमारी कोई टेंशन। उसका 5वां प्रश्न है, बोले तेरे को रात को नींद आती चैन से सो पाते हो, अब देखना जिनको बहुत सारी बेटा बेटियों को बड़ा बनना, शादी वादी करवाना, ये करना, देखना हमें एयर कंडीशनर रूम में गोली खाने पर भी हमें नींद नहीं आती, संसार का कुछ का टेंशन। उसने कहा मैं तो नो टेंशन, डल्लम गति को ऊपर से तो नींद नहीं आती, नहीं कीचड़ को ऊपर से डल्लम गति से भी ज्यादा मुलायम है कीचड़ में। अब देखा हूँ स्वर को किस आराम से सोते रहते निश्चिंत होकर एकदम टेंशन रहे। आपने कभी देखा है कभी कभी इंसान इतने डिप्रेशन में कभी कभी आता है सुसाइड करता है, आपने कभी सुना है कोई जानवर को सुसाइड करते हैं, आपने कभी देखा है कोई जानवर को सुसाइड करता है, कोई सुसाइड नहीं करता है। यहाँ पर बता रहे हैं ये भी ये 4 काम करते हैं और हम भी ये 4 काम, खाना सोना संसार को बढ़ा बच्चों को बढ़ावा देना, ये भी करते हैं और हम भी यही काम करते हैं, लेकिन इसी विषय पर जानवर भी हमसे आड़वास है। यहाँ प्रश्न आता है पर ये मानव शरीर को हर शास्त्र से जुड़ना होता है, भगवान राम भी एक बात कहते हैं अयोध्या वासियों को, ये अयोध्या वासियों बड़ा भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदा रत्न गावा, भगवान कहते हैं भागवत पढ़ो। उद्धव को कृष्ण कहते थे उद्धव ये जो मानव शरीर है ये साधारण जन्म नहीं, भगवान कहते हैं लब्ध सुदुर्लभ विदम, केवल ये मानव शरीर दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, सहज में ये मानव शरीर नहीं मिलता है। 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ठाकुर जिसको मानव शरीर देते हैं, बार बार ये शरीर नहीं देते। यहाँ प्रश्न आता है क्यों ये मानव शरीर को इतना दुर्लभ होता है, कारण क्या है, केवल एक ही कारण है, हम इसी जीवन में प्रभु को भक्ति कर सकते हैं।
भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, अयोध्या वासियों की जो मानव शरीर क्या है, बोले साधन धातु मोक्ष कर द्वारा पाई न जाई परलोक सवारा। कहे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, कभी ये साधन का धाम। 84 लाख के जीवन में किसको बोलो कृष्ण कृष्ण राम राम बोले, कोई बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं? कोई नहीं बोल सकते हैं, हैं? कोई बोल सकते हैं? किसको बोलो सत्संग में आओ मेरी कथा सुनो, इंसान तो छोटे कोई आकर सत्संग में बैठता है ना? केवल दो हाथ बोले हैं जो दोनों हाथ से ठाकुर धाम सेवा कर सकते हैं, और कोई कर्तव्य किसको देखते हो? नहीं देखते, केवल इंसान ही है, एक हृदय ठाकुर जी दिए जिससे हम ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, और कोई स्मरण कर सकता है ठाकुर? कोई नहीं कर सकता है, केवल दो ही आग दिए जो कि ठाकुर जी को हम दर्शन करते हैं, और कोई आग देखते हो प्रणाम करते हुए दर्शन करते हो? कोई नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, ये साधन का धाम है, इसी शरीर में ही प्रभु की साधन उधर कर सकते हैं। इसलिए मोक्ष करे द्वारा कहते हम मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए हैं, ये 84 लाख जन्म भटक कर उठते थे, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं। अगर ये जीवन पा करके हमने संसार का सारे कर्तव्य किया, लिखाया पढ़ाया बच्चों को दुकान सब कुछ किया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया, बोले तुम्हारे जितने कराया धराया केवल जीरो नहीं ज्यादा बनता नहीं है, तुमको इसी संसार की आसक्ति को लेकर के है 84 लाख जीवन में भटक रहा है, मैंने कोई बड़ी भारी कोई तीर नहीं मार दिया, संसार में बच्चे को पालन करके हर वक्त कोई बड़ा बड़ा तीर नहीं मार दिया, कोई बड़ी बड़ी तीर तुमने नहीं मार दी हो। अगर जीवन में तुमने कुछ भी नहीं किया है लेकिन भगवान की भक्ति कर लिया तो समझो तुमने बहुत बड़े तीर मार दिया। बताओ वीरानी दुनिया में क्या किया, सारा दुनिया जिनके नाम से हनुमान जी ने क्या किया है, नर से भक्त ने क्या किया है, क्योंकि सारा दुनिया में नाम ले रहे, सारा दुनिया में पूजा पा रहे, उन लोगों ने सबसे बड़ी भक्ति निभाई, सबसे बड़ी तीन मारी है। इसलिए अगर हम भगवान की भक्ति अगर जिंदगी में कर पाए तो समझना हमने बहुत बड़े तीन मारे। अगर प्रभु की भक्ति छोड़ दिए है, प्रभु की भक्ति छोड़ दिए और सारे दुनिया की कर्तव्य को कर दिया तो मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए क्या करो, कल मैंने बताया था ना, अगर एक को अगर ठीक रख करके अगर जीरो दिया तो वो 10-10 गुण करेगा, अगर एक को अगर छोड़ करके तुम तो जीरो जीरो देते हो, जीरो जीरो क्या करो, करो खूब पैसा कमाओ, खूब संसार करो, खूब बढ़िया मकान बनाओ, लेकिन भगवान की भक्ति को लेकर, ठाकुर जी की भक्ति को लेकर के करो, तभी तो सब कुछ बढ़िया, तभी सब कुछ बढ़िया। इसलिए यहाँ पर बताए जीवन में प्रभु के धर्म विहीन व्यक्ति को बताए, सींग पूछ कट जाने वाले वो दो प्यारे जानवर है, जानवर। अभी यहाँ प्रश्न आता है कहते जीवन में हमारी मूल समस्या क्या है, तो एक जो पॉइंट है ना आप लोग उसको याद रखेंगे, कल आपसे मैं पूछूंगा मैं देखूंगा कौन मेरे को कौन कितना बोल पाता है, ठीक है ना, उसको ऐसे सुनिए जैसे मेरे को थोड़ी सी आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्रश्न है, आ जाओ सामने आ बच्चों, इधर आ जाओ। इसलिए यहाँ पर प्रश्न करते हैं जीवन में हमारी मूल समस्या क्या है, ठीक है, कल जीवन में हमारी मूल समस्या क्या है। कोई बोलेगा भैया हमारी जो मूल समस्या है ना, कल हमारी मूल समस्या है हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं है हमारी समस्या है। जिसको पास में ज्यादा पैसा है उसको टाटा बिरला रिलायंस कंपनी मालिक को जाकर के पूछो, बोले तेरी से क्या समस्या, बोले कितने समस्या, रात भर बड़ी बड़ी बिजनेस है, अरब खरब रुपया इसको पास में
डुबा दिया, इसने खा लिया, उसने ये कर दिया, वहाँ बिजनेस कर, हमारी समस्या है घर में बहुत ज्यादा पैसा, पिछले रात में टेंशन पिछले अभी सुना है सुपर ज्यादा पैसा होता है ना गुरु जी, लास्ट में गोली खाने पर उसका नींद नहीं है, लास्ट में एक सर्प सांप होता है, वो सांप से डसवाते हैं, इतना चार इतने चार ला पाए फिर जाकर चैन से कहीं जा, इसलिए जिसको पास में ज्यादा पैसा वो बोलता है मैं चाहता हूँ हिमालय में जाकर के एकांत में कुछ समय वहां बिता के, एक व्यक्ति के पास में क्या समस्या पैसा नहीं, दूसरे व्यक्ति के पास में क्या समस्या ज्यादा पैसा है, इसलिए ये पूर्ण समस्या नहीं, एक व्यक्ति को पूछेगा भाई तुम्हारी समस्या क्या, बोले हम बहुत बीमारी है, एक डॉक्टर को पूछे तुम्हारी क्या समस्या है, बोले इस बार ज्यादा हमारी कमाई नहीं है, बोले लोग ज्यादा इस साल बीमारी कर रहे हैं, इसी साल लोग ज्यादा बीमारी नहीं पड़ी इसलिए मेरे ज्यादा लाभ लाभ नहीं, एक व्यक्ति का क्या है बीमारी है, एक डॉक्टर का क्या समस्या है बीमारी, बहुत हम इसको ज्यादा मतलब इसका एक समस्या उसको वो नहीं मिल रहा है, ये मेन समस्या नहीं, एक जो छतरी व्यवस्था है, बोले भैया तुम्हारी क्या समस्या है, बोले इस बार है ना ज्यादा छतरी बिका नहीं, बोले क्यों, इस बार बारिश नहीं, एक व्यक्ति को पूछो भैया तुम्हारी क्या समस्या है, बोले आज इस बार हमारी छतरी नहीं, इतनी बारिश हमारी बर्बाद हो गई, छतरी पिछले बार तुम पूछो तुम्हारी क्या समस्या, इस बार बढ़िया प्रॉपर्टी हुआ है, बोले क्यों, बोले इस बार इतने बारिश हुई लोग हमारी छतरी खो बेचा, छतरी खो बेचा, आप देखना एक व्यक्ति की एक समस्या आपको दूसरा का लाभ और उसकी समस्या, ये सब मूल समस्या नहीं है, बोले बोले जीवन में मूल समस्या क्या, बोले जीवन में सात मूल समस्या है जो सबको लेना पड़ेगा, इसको कोई नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, ये समस्या सबको लेना ही जीवन में पड़ेगा, कोई व्यक्ति नहीं जिसको ये समस्या नहीं, क्या समस्या, बोले सात समस्या है, अब याद रखना मैं एक एक किताब बात और आपसे मैं कल सुनूंगा आपने क्या याद रखे, ठीक है, अच्छे तरह जिसकी भी देखो आप इसको भगवान के बारे में सुना होगा ना, ये ऐसे की क्लास है, ऐसे की ये क्लास है, हम कहते हैं भक्ति करने का क्या जरूरत है, अगर ये क्लास सुनेगा आप लोग नहीं भैया जीवन में प्रभु भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की भजन हमें करनी चाहिए, प्रभु के भजन की बगल कोई गति नहीं, इसलिए सात समस्या क्या है, बोले पहला समस्या है बुढ़ापा, जगत में ऐसे कोई बोल सकता है हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई बोल सकता है, भले जितने चबरस खा लो, भले जितना सोने की भस्म खा लो, भले इतना जीव कर लो, कोई बोल सकता है बुढ़ापा नहीं आएगा, नहीं, आप देखना जीवन में सबसे ज्यादा जो दुख है जीवन दुख और जीवन में आप किस किस व्यक्ति को देखे होंगे साल साल तक उसमें टाटी उसमें पेशाब भर रहा, आप देखना बुढ़ापा जब आ जाए ना पूरा परिवार सोचता ही गम है, जब मरता नहीं ना उसके लिए क्या क्या करते हैं, गैया दान करते हैं, वो करते हैं, ये जल्दी कैसे मरे, ये जल्दी मरे कैसे, सारा दुनिया आप देखना एक उदाहरण क्या भागवत में, एक बैल को जब तब तक ये किसान खाना खिलाता है जब तक वो काम जब काम नहीं करता ना बैल पड़ा हुआ आपस में पूछे संसार ठीक है, मैंने पहले बताया था ना, बोले आप कैसे हो, कब तक मिल जब तक जेब में पैसा, पैसा अगर तुम कौन हो, ये दुनिया स्वार्थ का दुनिया है, दूसरा उदाहरण दिया आप गन्ने से जूस निकाल कर देगा, एक बार गन्ने दे देगा जूस निकाल देगा, बोले और थोड़ा जूस उसको डबल कर तो देगा जूस निकल गया, फिर देखा थोड़ा जूस उसको चार डबल कर देगा, लगा और उसमें और थोड़ा जूस दे उसको आठ डबल कर देगा, जब वो सारे जूस निकल गए उसको फेंक देगा, फेंकेगा नहीं जला देगा, ये दुनिया ऐसे ही, ये दुनिया आपको पूरा आप संसार में रहते हो देखना कि दुनिया ऐसे ही है, ये बुलाए
इसलिए कोई बात का खटकता नहीं सुन। ये बुढ़ापा जीवन में सबसे ज्यादा दुख है, सबको बुढ़ा बनना पड़ेगा। कोई बोल सकता है बुढ़ा हम नहीं बनेंगे, कौन बोल सकता है? सबको बुढ़ा बनना पड़ेगा। दूसरा जो दुख है मृत्यु, कोई बोल सकता है हम नहीं मरेंगे? कोई बोल सकता है हम मरेंगे नहीं? मरेंगे ना, मरने का नाम सुनते ही ना कांप उठते, कांप उठते हैं। अगर मरने का नाम सुनते तो क्यों मरने के लिए हम क्यों डरते हैं? आप बता सकते हो मरने के लिए हम क्यों डरते हैं? बता सकते हो कौन बोलेगा हाथ उठा क्यों मरने के लिए? बताओ कौन बोले मरने के लिए क्यों डरते हैं? शास्त्र में बताया जब मृत्यु आती है, जब शरीर से ये प्राण निकलते हैं, कहते एक बिच्छू अगर इसको काटे ना इतने दर्द जो सोच नहीं सकती। कहते जब 10,000 बिच्छू एक साथ में जब एक व्यक्ति को काटता है, वो जो दर्द है मरते समय वो दर्द। इसलिए ये जन्म जन्मांतर से ये अनुभूति हमारे हृदय में हर जन्म मारे जन्म लिए मारे जन्म हुए, इसलिए ये अनुभूति हमारे हृदय में ये अनुभूति पड़ा हुआ है। इसलिए हम मरने का तो नाम सुन के मरे नहीं। सूर्य मुसलमान हिंदू झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, भाग जाएंगे नहीं तो अंबुस्थान जाएंगे नहीं। क्यों मरने के लिए क्यों डरते? कारण है कि जन्म जन्म से हम मरते हुए आ रहे हैं, मरते हुए हम आ रहे हैं, इसलिए हम कोई इसलिए मरना नहीं चाहते। तीसरा क्या है जन्म? बोले भैया जन्म दुख कैसे हम पे आपकी बर्थ है, आपकी बर्थ है हम जन्म से कि जन्म को ये दुख क्यों बताए? कारण क्या? बोले कारण बताए हम पहले सुने थे जब मातृ गर्भ में ये जीव आता है कि भगवान खुद कहते अपना मात, भगवान कपिल देव देवती को समझा रहे हैं, बोले माँ पेट में आना और नरक में आना बराबर है। ये पेट में केवल टाटी पेशाब खून पी और कुछ नहीं, जैसे एक व्यक्ति के ऊपर एक पतला कपड़ा डाल दो और उसको ऊपर टाटी पेशाब खून पी को डाल दो, कैसे लगेगा बताओ? कैसे लगेगा? ठीक ऐसे ही केवल बच्चे के ऊपर में छोटा कवर रहता है और पेट में क्या है टाटी पेशाब खून पी मल मतलब इसको रहना पड़ता। अभी तो बाहर अगर उसमें 3-4 घंटा आपको अंदर में बंद कर दिया कैसे लगेगा होगा? ये बच्चे को 9 महीना तो कैसे पेट में टाटी के साथ रहना पड़ता है। इसलिए आप बच्चे का सेफ देखना गर्भ में उसका हाथ ऐसे रहता है, आप देख लेना प्रभु मेरे को निकाल यहाँ से, हम यहाँ आना नहीं चाहते। इसलिए देखना बच्चा जब जन्म लेता है रोता है, जानते हो क्यों रोता है? इतने गर्भ में इतने कष्ट में था, फिर गर्भ में रहे तो ये माता गर्म गर्म चाय पिएगी, बच्चे का कोमल शरीर लगता है, फिर खट्टा मीठा खाएगी मलची खाएगी, बच्चा का शरीर कोमल है, इसलिए लगता है कहीं कहीं बच्चा तो गर्भ में अपना प्राणी त्याग देता है, प्राण गर्भ में त्याग देता है, बच्चा क्यों रोता है? शास्त्र रहता है इसलिए रोता है। हमें ये दुख नहीं चाहिए, हम कब रोते हैं बताओ? बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं ना, हमें ये दुख नहीं चाहिए, मतलब पेट में हम आना नहीं चाहते। 9 महीना तक ये टाटी पेशाब थल में हमें रहना पड़ा, इसलिए बच्चा बाहर निकलते ही जोर जोर से वहां 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 तक रोता है। क्यों? पेट में बड़ा दर्द हो रहा था, पेट में उसको बड़ा दर्द बड़ा दुख करके भोगना पड़ रहा था, इसलिए बच्चा वो रो रहा था। कितना दर का दुख हो गया? 3 हो गया, जन्म मृत्यु बुढ़ापा। चौथा नंबर है जरा, जरा मतलब होता है व्याधि पाप बीमारी। भले देखना साइंटिस्ट ही हो रही नई 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 दवा निकाल रहे, लेकिन देखना बीमारी भी नई 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 बीमारी आ रही है। जितने दवा निकाल रहे उतना नई 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 बीमारी, उतना ही नई नई बीमारी संसार में, उतना ही नई नई बीमारी।
भले जितना कैसे कभी बीमारी आते हैं। मैं दिल्ली में किसी भक्तों घर में गया था, बोले बाबा मैं 10 लाख रुपया मेरी भैया के पीछे खर्च कर चुका। बोले क्यों? बोले क्या बीमारी? लेकिन डॉक्टर ने कहता कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी है लेकिन क्यों? जो कष्ट कष्ट है जो पता नहीं चल रहा है, 10 लाख रुपया में फुल टेस्ट टेस्ट इधर इधर कर करते खर्चा कर दिया लेकिन पता ही नहीं पड़ रहा है बीमारी है। даже толком взяток себе не поставить. Если сколько вы говорите в этом жагат мы должны, говорите, а не, как ты полмерчаешь, а вот ты не, эк е адхиатмик, как ты адхиатмик ка мотлаб кя хе, бля, сарир ор ман са дух дух мита, сарир ор ман са, аб дикна, хар бимари ка кой медицин, лекин ман ка жо бимари, иска бе медицин? Нет. मन का बीमारी का कोई मेडिसिन निकला है? नहीं निकला। लेकिन हर व्यक्ति को पास में मानसिक कष्ट है, कोई नहीं बोल सकता है मानसिक कष्ट नहीं। कोई परिवार से कष्ट है, कोई बीवी से कष्ट है, किसको बहू से कष्ट है, किसको पैसा से कष्ट है, किसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही कष्ट है, किसकी बेटा की नौकरी नहीं मिल रहा है कष्ट है, किसकी धंधा नहीं चल रहा है कष्ट है। लेकिन आप मानसिक बीमारी तरह तरह से मानसिक बीमारी है, तरह तरह से मानसिक बीमारी जिसका कोई दवा नहीं, और ये बीमारी सभी को है। दूसरा है आदि दैवी, दैवी की मतलब होता है जो देवता आपको द्वारा दिया हुई हो, जिसको पर किसी का भी कंट्रोल नहीं। जैसे अभी ओले गिरे, आप इधर तो ओले गिरे भी, हम उस तरफ में ओले ओले गिरे तो गेहूं की बहुत खेती हो, खेती हो गई, गेहूं की बहुत खेती हुई, जिसके ऊपर जिसका कोई कंट्रोल, साइंस फाइंस कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। कभी ज्यादा गर्मी पड़ी तो लोग मर गए, कभी ज्यादा ठंडी पड़ गया तो लोग मर गए, कहीं भूचाल आ गई, कहीं भूचाल आ गई, कहीं सुनामी आ गई, आप पेपर पढ़ते होंगे, कभी सुनामी आ गई, कभी कभी कोई फ्लू आ गया, कभी जिसको करके किसका कोई कंट्रोल नहीं। कभी ये सबको इस जगत में सबको ये दुख का सहना पड़ रहा है, कभी देवता को बोला। और जो तीसरा है कहते आदि भक्ति, आदि भक्ति का मतलब क्या? बोले एक जीव से एक जीव को जो कष्ट होता है, जैसे मच्छर काट दिया, सांप काट दिया, जैसे हिंदू मुसलमान में लड़ाई होती है, अगले जब पर्यटन में जो दलित लोगों ने जो आग लगा दी, उसने नष्ट कर दिया देश, देश में जैसे कोरिया अमेरिका को धमकी दे रहा है, अमेरिका कोरिया को धमकी दे रहा है, आटम बम फेंकते हैं, जैसे चाइना भारत के ऊपर, भारत चाइना के ऊपर भी, जैसे पाकिस्तान भारत के ऊपर, भारत को ये जो एक जीव को और एक जीव का अंदर में जो ये दुख कष्ट है, जो दुख कष्ट है, जैसे संसार में एक प्राणी से दूसरे प्राणी को जो कष्ट है, इसको कहते आदि भौतिक। कभी जगत में जन्म लेने पर ऐसे कोई व्यक्ति है नहीं जिसको ये सात तरह का दुख कष्ट हो। आप बताओ ये दुख कष्ट से कोई निकल सकता है? ये सबको कंपलसरी ये दुख कष्ट मिलेगा ही, मिलेगा सभी को। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, साइंस तो बहुत एडवांस कर सकते, साइंस ने बहुत एडवांस किया। देखो जो साइंस है ना वो दो धार की चाकू, दोधारी तलवार, दोधारी तलवार, दोधारी तलवार, दोधारी की तलवार है। एक तरफ में बहुत अच्छा है लेकिन दूसरे तरफ में देखो ना इतने हानि पहुंचा जो सोच नहीं सकते। जैसे मोबाइल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी मोबाइल है जो कि बहुत बड़े बड़े आसान से करता है, लेकिन हम दूसरे तरफ से देखो कच्चा हम नारियल होता है ना, हम नारियल फट जाते हैं, कुछ गौरी कुछ चिड़िया आता तो उसे खत्म हो गई। अब देखना ऊपर बड़े बड़े चील घूमते थे, कुछ नहीं है, और उसका साइड इफेक्ट क्या आंसर होता है, कर्ज क्या आंसर होता है। कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था, उसमें 20 रीजन दिखाया था कि मोबाइल को लेकर के पिता माता बच्चों से इतने परेशान, कि बच्चे ये मोबाइल को लेकर एक सिम घर में रखते हैं और एक सिम के बाहर चलते हैं, एक घर में और एक बाहर है, जितने गंदी गंदी कंटाक्ट है ये सब मोबाइल से हो रहे, चोरी गुंडागिरी लड़की बाजी उल्टा पुल्टा, इससे ज्यादा ज्यादा इसी विषय में जानता हूँ। जो स्मार्टफोन बहुत अच्छी बात है, हर जगह में
लेकिन बच्चे लोग इसमें इतने बिगड़ रहे हैं, इतने बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसी विषय में आपको ज्यादा पता होगा, ज्यादा पता इस विषय में होगा। बच्चे उसमें ऐसे गेम खेलने से ऐसे पागल हो गए, कभी तो गेम छुड़ाने के लिए दूसरा बड़ा सुंदर बोलना पड़ा। कैसे ये चीज से छूटे, कैसे ये चीज कैसे छूटे। इसलिए ये जितने एक पक्ष में देखोगे, जितने लाभ कंप्यूटर टीवी आपको गलती चीज सीखने के लिए कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं। केवल टीवी खोल कर बैठ दो, चोरी गुंडागर्दी एक एक चैनल था। अभी सारा दुनिया के चैनल है। पहले समय होता था लोग गीता भागवत रामायण पढ़ते, मन को शांति मिलती थी। अभी समय मिले तो दिन भर टीवी खोल कर कहीं भर दुनिया में सारे चैनल भगवान की भक्ति से देख बहुत दूर लोग कर रहे हैं, बहुत दूर फेंक दिया लोगों को भगवत भक्ति से, बहुत दूर फेंक दिया। एक तरह से अच्छी चीज है जो अगर उसको अच्छे काम में लगा, लेकिन दूसरे रूप में आप देखोगे ना, जितने लोगों को टेंशन कर दिया। पहले जब मोबाइल आते ही था, किसी को अच्छी तरह समझो, जब पहले मोबाइल थी नहीं, आप चैन से रह रहे थे, कोई दिक्कत थी एक का माता गए तीर्थ करने के लिए, देखो मोबाइल दिखा करता। पहले जो तीर्थ करने जाते थे निश्चित होकर के संसार का सारे जंजाल को दूर करके जाते थे तीर्थ करने के लिए। लेकिन अभी तीर्थ करने जाते हैं पिताजी क्या कर रहे हैं, घर में किया हो गया, घर में किया हो गया, अभी वो तीर्थ में गए। लेकिन जो मन है ना तीर्थ में है, वो मन पूरा घर में है, क्योंकि सारे खबर पहुंच रहे हैं चुनाव। और पहले निश्चित होकर चिंता, अभी ये जो मोबाइल बिजी कर दिया, घंटा आपको पूरा उसमें पागल बना कर पहले थी नहीं, या चल नहीं रहा था, लोग इतना टेंशन नहीं, बढ़िया से चल रहा था, लोग इतना टेंशन नहीं था, आसानी से जीवनी जीवन बहुत आसानी से चल रहा था। लेकिन वो खा रहे हैं, जा रहे हैं, वो सो रहे हैं, सारे बिना कारण के दिमाग सारा दी उसमें टेंशन टेंशन लगा। एक तरफ में जितने अच्छा है ना, दूसरे तरफ में आप सही से विचार करोगे, अभी जैसे एटम बम हिरासिमा नागासिमा में जो एटम बम गिरी, अभी भी वहां पर विकलांग लोग जन्म रहे हैं। हम लोग कहीं इंटरनेट में नहीं तो कहीं यूट्यूब पे देखे होंगे, जिस समय वो एटम बम गिरी इतने भयानक था, वो एटम बम इतने गरीबी था, लोग चाकू से अपना गला काट रहे थे, उसका इतने असर जनता सहन करना, अपना पेट में चाकू मार रहे थे, अपना पेट को फाड़ रहे थे। एक हमने देखा था जिसमें वो आटो गिरा, वो स्थिति क्या थी, लोग कितने कष्ट भोग कर रहे थे, प्राण छूट रहे, यहाँ इतनी गर्मी, गला काट रहे, अपना चाकू लेकर पेट फाड़ रहे, इतने भयानक, इतने भयानक। अभी भी वहां पर विकलांग लोग अभी भी जन्म ले रहे हैं। अगर इस बार अगर हमारे भक्ति स्वामी महाराज बोलते हैं, जिन्होंने ईश्वर ने खबर किया, बोले साइंटिस्ट ने किया, बोले पहले लोग डंडे डंडे में लड़ाई डंडे में लोग कहीं लड़ाई करते थे, अभी कैसे लोग लड़ाई कर रहे हैं। इस बार अगर विश्व युद्ध छिड़ गया ना, कहते 10-20% लोग बड़े कष्ट से जान जीता रहे। अगर इस बार अगर विश्व युद्ध छिड़ गया, केवल 10-20% लोग ही जिंदा रहेगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा कोई। क्यों? ये एटम बम आपको पता होगा, अभी इतने भयानक एटम बम निकला, इतने भयानक एटम बम निकला, एक दूसरे देश को धमकी दे रहा है। एटम बम ये गिरेगा ही, ये एटम बम गिरा, ये मतलब जो ये बनाया गिरेगा नहीं, गिरेगा, लेकिन कब गिरेगा आपको पता है? ये एटम बम गिरेगा पता है? तब तक नहीं गिरेगा जब तक आप लोग भजन करो, और तब भी गिरेगा जब भगवान भी गीता का श्लोक कृष्ण कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम, ये बुद्धि देने वाले कौन है? कृष्ण। ये एटम बम बनाया किसने? कृष्ण। तो कृष्ण खुद कहते हैं बुद्धि रूप में कौन बैठा? मैं ही बैठा। कृष्ण गीता में बुद्धि रूप में बैठा। कृष्ण गीता में एक श्लोक कहते हैं, बोले अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, नमे भक्ता परंतु मेरे भक्तों का विनाश नहीं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम ये प्रतिज्ञा करो, मेरे भक्तों का विनाश नहीं,
तब अर्जुन कहता है प्रभु तुम्हारी भक्तों का बिना से तुम बोलना मेरे से क्यों बुलवा रहे हो, मतलब मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा किया होगा। अरे मेरे भक्तों को अगर प्रतिज्ञा करता है ना, मैं कभी कभी अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके भक्तों का प्रतिज्ञा को रक्षा करता हूँ। अगर मेरे भक्त अगर प्रतिज्ञा करेगा तो मैं प्रतिज्ञा को रक्षा करता हूँ, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान के भक्तों का विनाश बिल्कुल, जब भगवान के भक्तों का विनाश नहीं, देखो इसीलिए ये जगत सभी टिका हुआ है, चुके कुछ भगवान को भक्ति करने वाले थे। जब भगवान देखेंगे कोई भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे, फिर भगवान क्या करेंगे, आटम बोलूंगे भगवान क्यों ये जगत को सृष्टि किया, कारण क्या है, भगवान सृष्टि की जगत को क्यों किया, इंसान जीवन क्यों दिया, गीता भागवत क्यों दिए, ये जीव भगवान की भक्ति रचन करके सुखी रहे। जब देखेंगे कोई भक्ति कर ही नहीं रहे, भगवान करें बोलेंगे पृथ्वी रखने का कोई महत्व नहीं, क्यों दुनिया को रखूंगा, फिर दिमाग में बोलते थे आटम बम फेंको, इनको खत्म कर दो, क्योंकि खाना पीना सोना कौन करते, कुत्ते सूरज से कर रहे हैं, ये कुत्ते करते सूरज से खा रहे पी रहे बच्चे जन्म दे रहे हैं, इसलिए भगवान बोले आटम बम फेंको तो खत्म कर दो, जरूरत नहीं दुनिया की। लेकिन आप जैसे व्यक्ति जब तक रहोगे हरि का नाम लोगे कीर्तन करोगे ना, ये आटम बम नहीं गिरेगा, युद्ध नहीं हो, क्यों भगवान बुद्धि देने वाले ठाकुर है, सारे बुद्धि देने वाले ठाकुर है। इसलिए हम लोग कहिए कि ना आपको सही घटना सुनाता हूँ, कहीं बड़ी जोर से आंधी तूफान आया, बड़ी तेज आंधी तूफान, इतने जोर से आंधी तूफान आई सारे घर द्वार को मैंने तोड़ फोड़ दिया, मिट्टी तक भी हटा करके ले गया, लेकिन देखा है कि छोटी सी कुटिया थी भूसा की, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, बोले भैया यहाँ से मिट्टी तक भी उठा कर चला गया, लेकिन एक छोटी सी कुटिया जा करके देखा, उस समय संत बैठे हुए थे और संत बैठ करके भगवान की भजन कर रहे, वो ठाकुर जी नाम भजन कर रहे, इसलिए वो केवल एक कुटिया ही वहाँ पर नहीं गई, अब जितने वहाँ पर सब सत्यानाश हो, इसलिए कहना जा के राखे साइया मां सके ना कोई बाल ना भंका कर सके जो जग भाई, इसलिए भगवान की तरफ भक्ति कर लेना, फिर सब बच्चे रहेंगे, नहीं तो वो आटो को ना वो गिरेगा ही, वो गिरेगा आटो को, वो सब तो सत्यानाश कर दे, इसलिए आप लोग को भजन करो भक्ति करो, फिर वो आटो को नहीं गिरेगा। इसलिए ये जो साइंस है दो धार की तलवार है, उसको अच्छे काम में लगा सकते हैं, हम उसको बुला लेकिन हमारे साइंस क्या शिक्षा देता है, बिल्कुल भोग कर तुम खाओ पियो और को भोग कर, नहीं भोग में सुख नहीं है, त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं, क्यों हमारी इंद्रियां लिमिटेड है, अब लिमिटेड से ज्यादा खा भी नहीं सकते, कितना ज्ञान कौन बोलेगा, क्या पांच ज्ञान बोले तो कौन बोलेगा, पांच ज्ञान क्या क्या बताओ, कौन बोल सकता है, इसलिए हमारे पांच ज्ञान इंद्रिया चक्षु कर्ण नासिका जीवा और त्वचा, त्वचा मतलब स्पर्श इंद्रिय, ये पांच हमारे ज्ञान इंद्रिया, हम ये पांच ज्ञान इंद्रिय को द्वारा ही ये विषय को करते हैं, लेकिन भागवत में बताया एक एक प्राणी एक इंद्रिय से वशीभूत होकर अपना प्राण त्याग देता है, बोले कौन कौन, बोले हाथी, हाथी कितना बड़ा जंतु है, बहुत बड़े, इतना बड़ा बलशाली कोई नहीं, हाथी को पकड़ना सहज नहीं, लेकिन उसका कमजोर स्पर्श इंद्रिय है, जो हाथी को पकड़ते हैं जंगल में क्या करते हैं, एक हाथी को ट्रेनिंग देते हैं,
और एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते थे, 15-20 आदमी गड्ढा खोदते थे। अब उसके ऊपर में हरा हरा घास बिछवा देते थे और एक स्त्री हाथी को ट्रेनिंग देते और छोड़ देते जंगल में। वो हाथी जाकर के जो पुरुष हाथी होता है उसको शरीर में वो अपने आप जाकर शरीर को रगड़ेगा और पुरुष हाथी को स्त्री हाथी को शरीर को रगड़े में उसका आनंद आता है, स्पर्श होता है। अभी वो स्त्री हाथी क्या करेगी, वो धीरे 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 उसको ले आएगी। अब वो गड्ढा कहाँ उसको बताए, वो स्त्री हाथी गड्ढे के तरफ नहीं जाएगी, वो पुरुष हाथी को ले जाएगी और वो गड्ढे से बचे रहेगी। जब वो गड्ढा आ जाएगा ना, वो स्त्री हाथी क्या करेगी, वो धक्का मार करके वो पुरुष हाथी को गड्ढे में करेगी। ऊपर ऊपर हरा हरा दिखती है, उसको पता नहीं गड्ढा है, बस 15-20 हाथी गड्ढे में गिर पड़ेगा हाथी और उठ नहीं पाएगा, उसको 10-15 दिन तक खाना नहीं देगी। फिर उसी स्त्री हाथी से उसको लोहे की चंचल से फिर पुरुष हाथी को बांध देगा, अभी तो कमजोर हो गया, और उसको निकाल लेंगे और उसको कोड़े मार मार कर उठो बैठ हो। सर्कस में देखना, सर्कस में देखो हाथी कभी कंट्रोल में आने वाले, लेकिन उसको कमजोरी कहाँ पर है, ये स्पर्श सुख में कमजोर है, स्पर्श सुख में कमजोर है। पूरा हाथी को मार मार उसको उठाओ बैठाओ ये सब आज उसको। दूसरा उदाहरण दिया है चक्षु, ये आँखों, आँखों में कौन प्राण देता है, मतलब कीड़े मकोड़े। अब देखना जब कहीं आग जलती है ना, कहीं आग जलेगी तो जितने कीड़े हैं वो सब के सब छलांग लगाते, वो सब के सब छलांग लगाते हैं। उसको लगता है शायद ये कोई खाने का चीज है, आग जलना लगता है कोई खाने का चीज, तो खाने का चीज नहीं, वो आग करके छलांग छलांग लगा के रहेगी और अपना प्राण को त्याग दे। चक्षु करना कान में बल हिरण, ऐसे ऐसे प्राणी है शायद पृथ्वी में इतने तेजी कोई भागने वाले नहीं, वो हिरण तेजी भागता है, एक साथ में 22 हाथ छलांग लगाना है, इतना तेजी। लेकिन उसका कमजोर कहाँ पर, बोले कान में। बहेलिया उसको कैसे पकड़ते हैं, बड़ी सुलीली बंसी ले जाएंगे और हिरण कोई सुलीली शब्द सुनते ही वो भागते भागते आएगा, वो भागते भागते आएगा, वो आकर के एकदम तन्मय होकर के वो सुरीली आवाज को सुनेगा, सुरीली आवाज को सुनेगा। जब सुरीली आवाज को तन्मय होकर सुनेगा, वो पेड़ बाहर में छुपा हुआ रहेगा और कितने में जा करके बस डंडा लेकर मार मार करके तीर से मार कर उसको खत्म कर देता है। वो कमजोर उसको कान में, चक्षु कर्ण नासिका, बोले नासिका में बोले मधुमक्खी, ये मधुमक्खी कैसे प्राण त्याग देता है, सुंदर कमल फूल के ऊपर में जाकर बैठ करके वो मधु पान करता है। जब शाम हो जाता फिर वो कमल फूल बुझ जाता, कमल फूल बुझ जाने पर क्या होता है, जो एक लकड़ी को भी छेद कर सकता है लेकिन उसका कमजोर नासिका में वो इतने मुग्ध हो जाता है, वो मधु में वो कमल पकड़ को भी काट नहीं पाता, जो लकड़ी को भी छेद कर सकता है लेकिन उस तरह में रात में इंसान त्याग देता है। और जो पंचमा जो चीज है जीवा, कहते जीवा में कौन मरता, बल मछली, पानी में मछली को नहीं पकड़ सकते लेकिन कमजोर उसको जीवा। आप देखे होंगे जो मछली पकड़ते हैं वो कैसे कैसे काटा होता है और उसके खाना का दाना देकर उसको पानी में फेंक देता है और वो मछली क्या करता है, बस उसको निगल जाएगा, निगल जाएगा तो बस कांटा लग जाएगा, फिर उसको क्या करेगा, धीरे 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 खेसते खेसते काट कूट करके उसको खत्म कर देता है। कभी ये जो एक एक प्राणी एक एक विषय में आसक्त होकर अपना प्राण को त्याग देता, मर जाते हैं। लेकिन जो इंसान में जानते हो ये पांच चीज छोड़ना उसने, वो तो केवल एक एक इंद्रिय में आसक्त होकर के प्राण त्याग देते हैं, लेकिन चीज जो इंसान वो पांच इंद्रियों को द्वारा विषय भोग करना चाहता है, जैसे चक्षु है बढ़िया बढ़िया चीज देखना चाहता है, अगर गंदी गंदी चीज को देखेगा उल्टा पुलटा चीज को फिर क्या होगा, वही चीज तुम्हारे दिन में आए। देखना भजन करने के लिए बैठो, देखना भजन में मन नहीं लगे, बोले क्यों, हमने इस आंख में गंदी गंदी चीज को अंदर में डाल दी,
मन किस चीज को याद करता है, जो चीज को देखता है, देखा है ना, पिछले गंदी चीज को जितने बार देखा, उल्टा पुलटा चीजों को, पिछले जब भजन करने के लिए बैठो, वही सारे जिंदगी में जो फटो खेचा है ना, आंखों का फटो खेचे है, वही चीज याद करता है। इसलिए हमारे संप्रदाय में संत हो गए, वो बहुत बड़े संत है, जो भगवान को साक्षात दर्शन नदी पार करके जाता था, मिलना था एक वो वेश्या, बड़े सुंदर म्यूजिक बजा कर, बड़ी संगीत सुंदर जाते, बड़े सुंदर रोज जाएगा। एक दिन उसको पिता ही पड़ेगा, मर गया तो पिता का क्रियाकर्म करना पड़ा, करते करते हो गया, लेट रात हो गई, खराब और बारिश हो रही, लेकिन वो तो पागल वेश्या को पड़ दी, उसने नदी पार करते हुए गया। रात बीच में जब गया, वो वेश्या के घर बंद हो चुकी थी रात को, वो दीवार ऊपर में चढ़ कर वहां से छलांग लगाई, धड़ाल करके आवाज हुई, उसने कहा भैया आवाज कहां है, उसने दिया जलाया, देखा बिल्लो मंगल, बोले तुमने ये दीवार ऊपर चढ़ा कैसे, एक रस्सी लटक रहा था, रस्सी को दिया जला कर देखा है सांप है, वो रस्सी नहीं था, वो सांप एक चड्डे के अंदर मुंह डाला था, वो सांप को उसने रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गया, उसने नदी के से बाहर किया, बोले कि लकड़ी बह रहा था, नदी के पास दिया लगा कर देखा लकड़ी नहीं, एक मरा हुआ सांप, मरा हुआ सांप पानी में भर गया था, उसको उसको समझ गया, उसने समझ गया ये के हल आंखों में बदबू, नाक में बदबू, मुंह में बदबू, कान में बदबू, नीचे तो बदबू, सब में बदबू, शरीर में जाएगी, टाटी पैसा खून की शरीर में इतना आसक्ति है, इसका पेट फाड़ कर रख दो भाग जाएंगे, तो ये टाटी पैसा और शरीर में तो इतना आसक्ति, अगर इतना तुमने सांप को भी रस्सी मान लिया, सांप को भी लकड़ी मान लिया, जितने तुम ये गंदे शरीर में आसक्ति है ना, अगर एक आना अगर तुम प्रभु में आसक्ति कर लेगा, वहाँ पर एक सुंदर अभी उसको फिर उसको पीछे पीछे चला, जब चला वो तो चलते घर में चली गई, उसने उसको पति बाहर में आया, उसने कहा दाढ़ी वो बड़े जटा जो सांता है, बोले बाबा क्या सेवा करेंगे, बोले फिर अपना पत्नी को बुला, पत्नी को बुलाए, बोले नहीं नहीं वो मेरे पुआ से मेरे को फलो कर रहा है, मैं नहीं कहूँ, बोले चिंता नहीं संत, मैं सामने हूँ ना, बोले आपको बाबा क्या चाहिए, बोले आपका पत्नी की जो खोपा है जो पहले केस में कांटा से केस को कांटा से लगा लिया, पीट होती थी, बोले वो दो कांटा मेरे को दे दो, उसको पता नहीं चला कांटा क्यों है, उसने दो कांटा लेकर उनको सामने अपना ये मैंने घर छोड़ करके आया भजन के लिए, हमें ये विषय में डाल दिया, वृंदावन चल पड़े, कृष्ण स्वयं आए थे, फिर कृष्ण स्वयं आए, फिर इनका हाथ पकड़ करके वृंदावन पहुंचा दिया, इतने भजन किया, वृंदावन गए आप, वहां पर कालिया घर है ना, जहाँ पर भगवान कालिया नाम को रखते हैं, उसको पीछे ही है उनकी समाधि, बिल्लो मंगल जी समाधि, वही पर उन्होंने भजन किए, साक्षात वाक्य दर्शन दिए, वो जो अंधा हो गया था ना, ठाकुर जी हाथ फेरा दिया, तो फिर उसकी आंख फिर आ गई, ठाकुर की कृपा से साक्षात भगवत दर्शन दिए, इसलिए जो इंद्रिया है ना, हमें क्या करता है विषय में, इंद्रिया में विषय में डाल देती है, विषय में, इसलिए ये इंद्रिया तो एक विषय में डालती है, लेकिन यही इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में, कानों में भगवान की सुंदर सुंदर कीर्तन सुनो, आंखों में ठाकुर जी की मूर्ति दर्शन करो, है ना,
और जीवा में ठाकुर जी का कीर्तन करो। इसलिए भागवत में बताया जो जीवा में भगवान की कीर्तन नहीं होता है वो जीवा कैसे मतलब बैठक का जीवा बैठक का देखना बरसात में बैठक वो बैठक सर्पों होता है उसका सांप सांप देखता नहीं हमें अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं आहार को बिल्कुल ढूंढना वो सांप उसकी आवाज सुनते सुनते धीरे धीरे आता है अच्छा कर लेता है और निकल लेता है। कहते जो व्यक्ति ये जीवा से भगवान की कीर्तन नहीं करेगी ये दुनिया की कीर्तन करेंगे उसका जीवा नहीं। कहते मैडम का जीवा जब टर 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 अगर ये कानों में भगवान की कथा नहीं सुने दुनियादारी कथा सुनी कहते ये कान नहीं तो बीन है जिस बीन के काल उनकी सर्प निवास करता है। अगर आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं दुनिया गंदी गंदी उल्टा पुल्टा पिक्चर पिक्चर के लिए आंख नहीं तो ये पांप है। कौन सा काम आता है इसलिए चक्षु कर्ण नासिका जीभ अगर हम इसको भगवान की सेवा में लगा देना फिर यही तुम्हारी मुक्ति की मार्ग बन जाए एक सारी मुक्ति की मार्ग बन जाए। ठीक है इसलिए आज जो क्लास था क्लास का नाम क्या है सुख का खोज है सुख का खोज है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो अगर जीवन में शाश्वत शांति शाश्वत आनंद शाश्वत आना चाहते हो क्या करो मेरे शरण में आओ तमेव शरणं कर्षं सर्वभावेन भारतहि अर्जुन संपूर्ण रूप में मेरे शरण में आ जा तत् प्रसादात् परां शांति मेरी कृपा से तुमको पूर्ण शांति पूर्ण सुख पूर्ण शाश्वत स्थान वृद्धाम प्राप्ति होगी इसी में शांति सुख परमानंद की शांति ठीक है। इसलिए कल जो हम क्लास सुनेंगे बहुत अच्छी क्लास क्या भगवान है वो क्लास का नाम डज गॉड एग्जिस्ट कोई कह दे ना तुमने भगवान को देखा है जो चीज देखा नहीं हम चीज कैसे मान रहे लेकिन हम कल सुनेंगे भगवान कैसे है क्या बहुत अच्छी क्लास एक एक क्लास का अगर हम याद रखें मनमोहन प्रभु क्या उधर उधर खड़े हो जाओ ओम ज्ञान यदि मेरे तस्य ज्ञान अंजन शलाखे चक्षु उद्मिलित मेरे तस्मे श्री देवे नमः सर्वगत अपने गुरु पाद पर परम स्वयं राज्य के चार्य श्रोत से प्रेरित की संग शेष प्रेरणा काफी सारे लोग बोलते हैं लोग होते नहीं तो गलते बोलते भी दिक्कत नहीं है। अभी गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया था सुअर जो है सबसे हर देश में श्रेष्ठ है। एक चीज उसमें कॉमन है कि सुअर के पास 15 बीवी है तब भी वो उसमें खुश है हमारे पास एक बीवी है वो हमसे एक नहीं चिल रही है ये सब जानते हैं। इसमें मैं कुछ गलत नहीं कह रहा सबको बताएगा एक छोटा सा चुटकुला है समझाने की कुछ संता बंदा का चुटकुले तो सुनने सुनोगे। एक बार संता जाता अपनी कार खरीदने के लिए तो देखते बहुत सारे लोग नीलामी हो रही है उस कार की कार ज्यादा मतलब लग्जरी कार नहीं है मारुति की कोई कार होगी तो देख रहे हैं कि उसकी गोली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक ने कहा मैं 20,000 दूंगा अगला कह रहा है मैं 25 दूंगा फिर पीछे से आवाज आती है मैं 30 दूंगा सामने वाले ही सेल्स कह रहा है मैं 50 दूंगा फिर एक पीछे बोला 50 में 1,00,000 दूंगा तो संता ने कहा गाड़ी में इतनी लग्जरी
इसकी कीमत बता रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, तो बगल में एक आदमी बैठा था, बोले इस गाड़ी से 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, 3 बार बीवी ही मरी है। तो बोलता मैं 2 लाख दूंगा, बोलता मैं 2 लाख देने के लिए। मतलब देखो कि जिस ऐसी चीज होती है, हम लोग सोचते हैं कि हम ये सब करके खुश होंगे, पर ऐसी क्या चीज है कि ऐसे करने से भी हमें खुश नहीं मिलती, ये है एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन कि ये करने से हमें खुशी मिलेगी, अभी गुरुदेव ने बताया ना हमारी इंडिया लिमिटेड है, हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो खुशी होगी, लेकिन होती नहीं। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन भी लिमिटेड है। हम सोचते हैं इस जगह की हर चीज लिमिटेड है। आप एक मूवी देख लो पीछे, अभी जो सुर्खियों में जो सबसे सही मूवी थी वो 3 इडियट्स, लोग बोलते थे मैंने 50 बार देखी है, मैंने 20 बार देखी है, मैंने 30 बार देखी है। एक सब ने पूछा मैंने कितनी बार देखी है, दूसरे का मैंने 70 बार मूवी देखी है, फिर जिस आदमी ने 70 बार मूवी देखी है, मैं तो सोचता हूँ मैं 2 बार मूवी देख लूँ, वही परेशान हो जाता हूँ, उसने 70 बार देखी। तो हमने बोला 70 बार देखी, इधर से भी बार क्यों नहीं देखी, मतलब 70 बार देखे ऊपर क्या, बस अब हो गया वो। मतलब इस जगत की हर चीज लिमिटेड है। किसी को रसमलाई पसंद है, वो कहता है मैं 10 किलो खा लेता हूँ, कोई कहता है मैं 15 खा लेता हूँ, वैसे होता नहीं है, 15 किलो खा के आदमी मर जाएगा, 4 डोले से ज्यादा मैं नहीं खा लेता। 15 किलो खाने के बाद क्यों नहीं खा सकता, क्योंकि उसका स्टमक लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। लेकिन भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो अनलिमिटेड है। एग्जाम्पल, आप स्कॉन में जाते हो, मायापुर स्कॉन में 24 घंटे कीर्तन होता है, रात के 12 बजे से लेकर अगली रात के 12 बजे तक। वहाँ पे लोग, मतलब कोई कोई होते हैं, हर कोई तो नहीं करता, लेकिन वहाँ पे लोग 24 घंटे नृत्य करते हैं, 24 घंटे भजन बजता है, 24 घंटे करताल बजती है, 24 घंटे लोग गाते हैं। मतलब भगवान की ही एक ऐसी चीज है कि जो हमें 24 घंटे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी चीज कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि चलो हमने भक्ति कर भी ली तो क्या भगवान हमारा ख्याल रखेंगे? इसके लिए एक छोटी बहुत सुंदर स्टोरी आती है, हमारे रोहिणी मंदिर लोगों ने सुनाई, बताई एक बार नदी में, तो मैं बस उसको रिपीट करने की जरूरत है। एक बार एक संत से, अड़ियल कुछ लोग अड़ियल होते हैं, बोलते हैं भगवान से खुशी होता है भक्ति कर भी लेगा, भगवान से आगे खाना खिलाने वाले कर्म तो फिर भी करने पड़ेंगे, जाके जॉब करनी पड़ेगी, उस चीज की टेंशन भगवान को थोड़ी है। हमें पता है हमारे 4 बच्चे हैं, इनका पालन भगवान थोड़ी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप करके तो देखो, ऐसा होगा, भगवान आपकी हर टेंशन पूरी करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। उसने कहा ना मैं कमाने जाऊंगा, ना मैं खाना खाऊंगा, ना मैं सोऊंगा, देखते भगवान मेरी कैसी इच्छा पूरी करते हैं। वो क्या सोचता है, चलो अभी सोचता है मैं घर पे रहूं तो किसी तरीके से भगवान ये सारी चीजें मेरी पूरी कर देंगे। मैं जंगल में चला जाता हूँ, वो जंगल में चला गया। उसने कहा अगर मैं नीचे रहूंगा तो शायद किसी तरीके से भगवान मुझे इसी चीजें खाना पानी सोना मुझे प्राप्त करा दी। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया टॉप पे, बोले यहाँ पे देखता हूँ, सब उसकी ऐसी जगह बैठा कि वो सबसे टॉप मोस्ट जगह थी, उससे उसके नीचे कुछ सब छोटा छोटा दिख रहा था। तो वो देखता है सुबह से शाम हो गई कुछ नहीं हुआ, वो कहते भगवान तो आई नहीं, वो कह संत की बात झूठ हो गई। तो अब उसे धीरे धीरे भूख लगी है, वो कह रहा देखा मुझे भूख लगी है, देखता हूँ भगवान मुझे कैसे खाने खिलाएंगे। तो देखता है कि जैसे वो ये मौके था, तो वहाँ पे कुछ लोग यात्री आए जैसे टूरिस्ट करते हुए, तो वहाँ पे आगे नीचे उन्होंने पंडाल लगा लिया, अपना टेंट वगैरह लगा लिया। तो वहाँ पे अपने खाने पीने की तैयारी शुरू कर ली उन्होंने, अपने सब जो सब खाने पीने का सामान था। अब उसे वहाँ पे आया, वहाँ पे लोग बोले उनको पता चलता है कि पीछे से लोग घूमने आ गए, पीछे से मारपीट करने वाले लोग आ गए, जो उनको छीना चाहिए बैठ गए, तो वो लोग तो सामान छोड़ के भाग गए। अब वहाँ पे लोग आ गए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारा सामान पड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई है, ढूंढो आसपास, जो मिलेगा उसे जरूर लेंगे। अब वहाँ पे लोगों ने खोज शुरू कर दी, उन्होंने नहीं है कोई नहीं है। अब वो ये चीज देख के वो ऊपर से डर रहा है, अगर कहीं मेरे मुझसे एक शब्द निकल गया तो मुझे मार देंगे यहाँ पे। अब वो जब डर के लिए काम में लगा तो टहनी हिली तो नीचे कुछ पत्ते गिरे, तो जो वहाँ पे ढूंढ रहा था तो लोग छानबीन कर रहे थे, नीचे पत्ते गिरे, हमारे लिए बना के इसमें झेर मिलाया, भगवान है
इससे पता चल जाता है कि भगवान है, वो हमारी हर चीजों को पूरा कर सकते हैं, बस बिलीव करने की जरूरत है। वांछा करने की जरूरत है। वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare।
देखना भगवान की जो रस मिलेगा जो उल्टा पुल्टा रस पीजी के उसमें के आनंद नहीं वो आनंद मिलेगा आपको कीर्तन में भजन में नाचने में जो आनंद है वो उसमें वो आनंद नहीं इसीलिए आनंद भगवान की भजन गुरुदेव थोड़ा सा पांच Thank you.
कई सारे